हेलो एवरीवन, माय सेल्फ डॉक्टर आदित्य गुप्ता। सो आज हम पढ़ेंगे हीमेटोलॉजी। सो वी विल स्टार्ट विद दिस हीमेटोलॉजी रिवीजन सीरीज बिकॉज़ आई थॉट दैट इट्स नीट इज इन मार्च एंड आई फेल दैट आई कैन एटलीस्ट टीच माय सुपर स्पेशलिटी, राइट? सो लेट्स स्टार्ट विद हीमेटोलॉजी एंड लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट डिजीज दैट इज एक्यूट लिम्फोब्लास्टिक ल्यूकेमिया, ALL. So let's start with the genesis of acute lymphoblastic leukemia. You know, it's a leukemia, cancer hai, blood cancer hai, that's how colloquially it is known as. So agar cancer hai, so what is the basis of cancer? कैंसर के ना दो चीज़ें होती हैं बेसिकली। कैंसर में एक होता है कि बहुत तेजी से सेल्स प्रोलिफरेट कर रहे होते हैं, दे आर मल्टीप्लाइंग एट अ रैपिड प्लेस एंड दे आर इमेच्योर सेल्स, दे आर नॉट नॉर्मल सेल्स, दे आर आइदर इमेच्योर सेल्स और सेल्स विच हैव टेकन अ लॉट ऑफ म्यूटेशंस एंड हैव एसेंशियली गॉन बैक टू अन इमेच्योरिटी फॉर्म ऑफ सेल्स। तो हमारे सारे के सारे जो ब्लड सेल्स होते हैं उनका बेसिस कहाँ से होता है? द बेसिस इज फ्रॉम द हिमाटोपोएटिक स्टेम सेल्स। सो दीज आर द हिमाटोपोएटिक स्टेम सेल्स एंड हिमाटोपोएटिक स्टेम सेल्स इनिशियली डिवाइड करते हैं दो फॉर्म्स ऑफ सेल्स में, in the form of lymphoblast या myeloblast। क्या बनते हैं? तो lymphoblast बन रहे होते हैं, myeloblast बन रहे होते हैं। lymphoblast से हमारे क्या बन रहे होते हैं? B cell, T cell, NK cells, basically सारे के सारे हमारे T lymphocytes, B lymphocytes या T lymphocytes। So ये बना देंगे हमारे B cells, T cell, NK cells। लिम्फोब्लास्ट से बन रहे होते हैं बी सेल, टी सेल, एनके सेल। तो लिम्फोब्लास्ट हमारी बॉडी में होना नॉर्मल होता है, बाय द वे इट्स नॉट दैट इट्स अबनॉर्मल टू हैव अ लिम्फोब्लास्ट, बिकॉज ऑब्वियसली द जेनेसिस इज लकिंग हमारी बॉडी में इमेच्योर फॉर्म भी होगा बोन मैरो में विच विल मैच्योर टू फॉर्म दीज बी सेल, टी सेल और एनके सेल्स। देन माइलोब्लास्ट विल गिव राइज टू प्रीटी मच एवरीथिंग एल्स। दिस विल गिव राइज टू योर न्यूट्रोफिल्स, इट विल गिव राइज टू योर बेसोफिल्स, इट विल गिव राइज टू योर ईसिनोफिल, इट विल गिव राइज टू योर प्लेटलेट, इट विल गिव राइज टू योर आरबीसीज, वो सारा का सारा बनाएगा। Now, let's assume कि ये जो lymphoblast था और ये जब यहां से lymphoblast B cell, T cell बनने वाला था, यहां पे arrest आ जाए, ये lymphoblast जो है ना ये mature ही ना कर पाए, it's not able to mature to become your B cell, it's not able to mature to become your T cell and whatever it is, and at the same point of time it is not being able to mature और साथ में proliferative drive आ जाए। So there is one thing that there is immaturity and there is second thing that there is a lot of proliferative drive. Jab ye proliferative drive badh jati hai aur ye immaturity aa jati hai, not being able to mature, then this together will result in acute leukemia. And this is not valid just for ALL, it is also valid for AML as well. Usme kya hoga? Usme myeloblast yahan pe aa jayega, myeloblast nahi ban payega neutrophil, myeloblast nahi ban payega basophil and stuff like that. Ab yahan pe immaturity agar yahan pe wo kya kehte hain block aaya hai, तो लिम्फोब्लास्ट बढ़ जाएंगे। कहां बढ़ेंगे? बोन मैरो में, बिकॉज़ इट्स बोन मैरो व्हिच इज द जेनेसिस ऑफ ऑल द ब्लड सेल्स इन अ बॉडी। सो बोन मैरो में द लिम्फोब्लास्ट वोंट बी एबल टू गेट कन्वर्टेड, वोंट बी एबल टू मैच्योर टू फॉर्म द नॉर्मल बी सेल्स, नॉर्मल प्लाज्मा सेल्स, नॉर्मल टी सेल्स एंड स्टफ लाइक दैट, एंड हेंस दीज लिम्फोब्लास्ट विल एक्युमुलेट। नॉर्मली बोन मैरो में कितने लिम्फोब्लास्ट होते हैं? लेस देन 5%। कितने होते हैं? लेस देन 5%। एंड एक्यूट ल्यूकेमिया की कितनी डेफिनेशन होती है? आई नो यू ऑल नो, ऑल ऑफ यू नो दिस, दैट इज मोर देन 20%। So this is the basis of how leukemias and acute leukemias in general occur. So you, like any other cancer in our body, there will be immaturity and then there will be an increased proliferative drive. There will be an immaturity. The lymphoblast won't be able to convert into the normal B and T cells. वहाँ पे एक immaturity रहेगी, वहाँ पे वो एक differentiation नहीं हो पाएगी, impaired differentiation रहेगा, and at the same point of time they will suddenly increase in number. So the normal there will be 5% blast in a bone marrow and in acute leukemia and acute ALL there will be more than 20% blast. And ye kaun se blast honge ALL mein? Acute lymphoblastic leukemia hai. So they will be lymphoblast. Agar maan lo yahi cheez myeloblast mein ho rahi hoti to wo kya ban chuka hota? AML, acute myeloblastic leukemia. Now very common question that has not been asked in entrances, agar previous year questions dekhoge na tum, so it has not been asked in entrances, it has been more asked as far as your prof is concerned and has been asked in the form of an image based question. So I'll show you the image that they keep on asking. So ye yahan pe aa jao, ek image dekhte hain ek minute. So this is the common image that they keep on jo har baar tumhe exam mein puchi jayegi, which is isko main yahan pe bhi schematically bhi batata hu tumhe ki lymphoblast aur myeloblast mein difference kya hota hai. So dekho, lymphoblast se normal lymphocyte ban rahe hain aur myeloblast se हमारा नॉर्मल न्यूट्रोफिल बन रहा है। बस इस चीज को याद रख लो, जस्ट रिमेंबर दिस फैक्ट दैट लिम्फोब्लास्ट गिव राइज टू नॉर्मल लिम्फोसाइट्स एंड माइलोब्लास्ट गिव राइज टू नॉर्मल माइलोसाइट्स, योर न्यूट्रोफिल्स, योर बेसोफिल्स एंड स्टफ लाइक दैट, एंड दिस विल मेक द डिफरेंस एज फार एज बिटवीन योर अक्यूट योर लिम्फोब्लास्ट एंड माइलोब्लास्ट वेरी वेरी इजी। एंड लेट्स सी द डिफरेंसेस इन फर्स्ट इन द पिक्टोरियल फॉर्मेट
एंड देन ऑन द एक्चुअल इमेज एज वेल. तो अगर ये मान लो लिम्फोब्लास्ट है और ये मान लो माइलोब्लास्ट है, तो लिम्फोसाइट में क्या होता है, न्यूक्लियस बड़ा होता है. यहाँ पे न्यूक्लियस बाद में मल्टीपल छोटे छोटे हो जाते हैं, तो न्यूक्लियस कंपैरेटिवली छोटा होगा. सो हियर द न्यूक्लियस इज स्मॉलर इन साइज. इफ द न्यूक्लियस इज स्मॉलर इन साइज देर विल बी मोर साइटोप्लाज्म. दिस इज योर माइलोब्लास्ट, दिस इज योर माइलोब्लास्ट. सो देर विल बी द न्यूक्लियर मटीरियल विल बी लेस एंड द साइटोप्लाज्म विल बी मोर. हियर द एनसी रेशियो इज हायर, इट इज हायर. वाई इज इट हायर? बिकॉज द न्यूक्लियस इज बिगर इन साइज एंड जो साइटोप्लाज्म है बहुत ही कम होता है, बहुत ही थोड़ा होता है. दिस इज योर लिम्फोब्लास्ट, ठीक है. और माइलोब्लास्ट से क्या बन रहा है, इट्स फॉर्मिंग न्यूट्रोफिल्स, न्यूट्रोफिल्स हैव ग्रैन्यूल्स, सो माइलोब्लास्ट विल ऑल्सो हैव ग्रैन्यूल्स. सो इट हैज अ लॉट ऑफ ग्रैन्यूल्स, सो देर विल बी अ लॉट ऑफ ग्रैन्यूल्स एज फार एज माइलोब्लास्ट इज कंसिडर्ड. लिम्फोब्लास्ट में ग्रैन्यूल्स होंगे नहीं, लिम्फोब्लास्ट नेवर हैज ग्रैन्यूल्स, रिमेंबर दिस फैक्ट. देन ऑब्वियसली यहाँ पे साइटोप्लाज्म है, तो साइटोप्लाज्म विल हैव सम अमाउंट ऑफ वैक्यूल्स, इट विल हैव स्मॉल स्मॉल थोड़े बहुत वैक्यूल्स होंगे. इसमें वैक्यूल्स होंगे नहीं होंगे. एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम इसका जो न्यूक्लियस होगा लिम्फोब्लास्ट का, वो बहुत ही कंडेंस्ड होगा, बहुत ही कंडेंस्ड होगा. जबकि माइलोब्लास्ट का न्यूक्लियस जो होगा वो थोड़ा सा डेलिकेट होगा, इट विल बी लिटिल मोर डेलिकेट, विल बी लिटिल मोर लेस कंडेंस्ड. तो ये देखो, ये मैंने यहाँ पे इसके न्यूक्लियस बहुत ज्यादा कंडेंस्ड होगा, ये थोड़ा कम कंडेंस्ड होगा, एंड इट विल हैव अ लॉट ऑफ न्यूक्लियोलाय. दिस विल नॉट हैव एनी न्यूक्लियोलाय, माइलोब्लास्ट विल हैव 1-2 न्यूक्लियोलाय. अब ये हम लोग इमेज में देखते हैं कि वो कैसे दिखता है. तो ये लिम्फो, दीज आर द लिम्फोब्लास्ट, दीज आर द माइलोब्लास्ट. ओके, ये माइलोब्लास्ट को देख लो, यू कैन सी एज कंपेयर टू द लिम्फोब्लास्ट, यहाँ पे थोड़ी सी साइटोप्लाज्म, सम अमाउंट ऑफ साइटोप्लाज्म इज देयर. इट्स नॉट दैट द न्यूक्लियस इज स्मॉल, बट द अमाउंट ऑफ साइटोप्लाज्म एज कंपेयर टू द लिम्फोब्लास्ट थोड़ा ज्यादा है, राइट. ग्रैन्यूल्स हैं, यू कैन सी स्मॉल टाइनी फ्रेजाइल ग्रैन्यूल्स आर देयर एज फार एज माइलोब्लास्ट कंसिडर्ड. लिम्फोब्लास्ट वोंट एवर हैव ग्रैन्यूल्स. एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम लिम्फोब्लास्ट में देखो, ये जो बड़ा सा न्यूक्लियस है, इसके अंदर ये छोटा सा जो एरिया है, यहाँ पे न्यूक्लियोलाय है. लिम्फोब्लास्ट डजंट वोंट हैव अ न्यूक्लियोलाय. एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम यहाँ पे अगर ध्यान से देखोगे, एक छोटा सा साइटोप्लाज्म वैक्यूल वैक्यूल भी तुम्हें दिख जाएगा. सो दिस इज द मेजर डिफरेंस एज फार एज बिटवीन लिम्फोब्लास्ट एंड माइलोब्लास्ट कंसर्न. माइलोब्लास्ट विल हैव ग्रैन्यूल्स, माइलोब्लास्ट बिकॉज इट हैज मोर अमाउंट ऑफ साइटोप्लाज्म विल हैव वैक्यूल्स एज वेल, इट विल हैव अ लेस कंडेंस्ड. इसमें भी देख लो, ये कंपैरेटिवली लेस डेंस है, ये ज्यादा डेंस है, दिस इज मच मच मोर डेंस. सो माइलोब्लास्ट विल ऑल्सो हैव मोर न्यूक्लियोलाय, लेस डेंस क्रोमैटिन, इट विल हैव लिम्फोब्लास्ट विल हैव मच मोर डेंस क्रोमैटिन. एक फाइनल डिफरेंस उनके बीच में आता है, कीप ऑन आस्किंग इज, एंड दैट डिफरेंस इज इनकी स्टेनिंग कैसे होती है. सो लिम्फोब्लास्ट इज पास पॉजिटिव, माइलोब्लास्ट इज पास नेगेटिव. क्या पॉजिटिव होगा, नॉर्मल हमारे न्यूट्रोफिल्स ऑल्सो हैव माइलोपेरोक्सीडेज, दे विल ऑल्सो हैव माइलोपेरोक्सीडेज, सो दिस विल बी एमपीओ पॉजिटिव. एंड इट्स वेरी इजी टू रिमेंबर, माइलोब्लास्ट माइलोपेरोक्सीडेज, लिम्फोब्लास्ट पास पॉजिटिव, ठीक है. Now we'll move on to the actual clinical presentation of acute lymphoblastic leukemia. So acute lymphoblastic leukemia, like I told you, that the lymphoblast won't be able to get down and mature into the normal cells. And these lymphoblasts will then accumulate in the bone marrow and become more than 20%. Abhi bone marrow mein agar zyada achanak se badh gaye, ye hamare lymphoblast agar bone marrow mein badh gaye to kya karayenge? They won't allow normal blood elements to grow, right? So because of which, what will happen? Your hemoglobin will fall. Because there is no space for the normal hemoglobin to form, right? So hemoglobin will fall. This will manifest in the form of anemia. The patient will complain of fatigue, not being able to walk and stuff like that. At the same point of time, kya hoga? Platelet kam ho jayenge. There will be less platelet. Platelet kam honge, usse kya hoga? Bleeding, gum bleeding. You know, gum bleeding, nose bleed, epistaxis and stuff like that. Ear bleeds ho sakti hain. Mucosal bleeds hoti hain basically because of platelets. Sometimes can cause intracranial hemorrhage as well. और क्या होगा, एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम प्लेटलेट कम हो जाएगा. टीएलसी को क्या होगा, टोटल ल्यूकोसाइट काउंट को. नाउ दिस कैन बी बोथ. सो दीज लिम्फोब्लास्ट जब इतने ज्यादा प्रोलिफरेट करेंगे, व्हेन दे विल प्रोलिफरेट दैट मच, दे कैन कम इनटू द पेरिफेरल ब्लड. इफ दे कम इनटू द पेरिफेरल ब्लड, टीएलसी विल गो डाउन. इफ दे डोंट कम इनटू द पेरिफेरल ब्लड, टीएलसी विल स्टे लो. सो दे कैन आइदर बी इंक्रीज और डिक्रीज. इफ इट इंक्रीजेस, देन ऑब्वियसली द टीएलसी विल बी वेरी 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 हाई. It will be very, very high. It will be 1,50,000, 30,000, 80,000. It can be very high. If the lymphoblasts don't come out in the peripheral circulation, then obviously the TLC will be low or maybe sometimes even normal as well. So this will dictate your clinical presentation as well. Low hemoglobin will cause fatigue. Platelet will cause bleeding. This will also manifest in the form of history. If a question exam, they will give you a history that the child presents with
विद अ हिस्ट्री ऑफ फटीग विल प्रेजेंट्स अ हिस्ट्री ऑफ मल्टीपल ब्लड ट्रांसफ्यूजन मल्टीपल प्लेटलेट ट्रांसफ्यूजन एंड देन कम्स टू यू. और क्या होता है? सो अनदर थिंग आई वॉन्टेड टू टेल यू अबाउट एक्यूट लिम्फोब्लास्टिक ल्यूकीमिया इज दैट एक्यूट लिम्फोब्लास्टिक ल्यूकीमिया ऑब्वियसली हमारी बॉडी में जो लिम्फॉइड टिश्यूज हैं लिम्फॉइड टिश्यू से ओरिजिनेट करे द लिम्फॉइड टिश्यू इज ग्रोइंग मैक्सिमली इन द चाइल्डहुड. दैट्स वाई इज द मोस्ट कॉमन कैंसर एज फार एज चाइल्ड इज कंसर्न. मोर देन 80% ऑफ द ल्यूकीमियाज इन द चाइल्डहुड जो मैं अभी कर रहा हूँ बेसिकली पीडियाट्रिक ऑन्कोलॉजी आर एक्यूट लिम्फोब्लास्टिक ल्यूकीमिया ALL. सो द मोस्ट कॉमन एज ग्रुप इज चाइल्डहुड. उसमें भी मोस्ट कॉमन एज होती है एक 3 से 4 साल का बच्चा होता है अराउंड 3 to 4 years. उसमें भी दे से कि एक्यूट लिम्फोब्लास्टिक ल्यूकीमिया कैन बी बी और टी. टी टेंड्स टू प्रेजेंट थाइमस से प्रेजेंट करें ना टी साइड से तो थाइमस अगर बहुत ज़्यादा बढ़ गया यहाँ पे इट टेंड्स टू प्रेजेंट एज अ मेडियास्टिनल मास. वेल बी लिक्विफाइड ब्लास्टिक ल्यूकीमिया क्योंकि बोन मैरो में होंगे ये बी सेल्स जो मैंने तुम्हें अभी प्रेजेंटेशन बताई उसके जैसे होने वाला है. सो दिस कैन बी द प्रेजेंटेशन. अपार्ट फ्रॉम दिस द अदर प्रेजेंटेशन दैट इज वेरी वेरी कैरेक्टरिस्टिक दिस लिम्फोसाइट्स कैन गो टू टेस्टिस कैन कॉज टेस्टिकुलर एनलार्जमेंट दे कैन गो इनटू द सीएनएस कैन कॉज सीजर्स एंड कैन कॉज रेज आईसीपी एंड स्टफ लाइक दैट. सो अ वेरी वेरी कॉमन क्वेश्चन दैट इज आस्क्ड इज कि इसका आप डायग्नोसिस कैसे करेंगे. हाउ डू यू डायग्नोस एक्यूट लिम्फोब्लास्टिक ल्यूकीमिया. सो अगर तुम्हारे पास एक बच्चा आता है उसका मैं कहता हूँ कि TLC 100,000 है हीमोग्लोबिन जो है 8 है प्लेटलेट जो है 20,000 है तो ये CBC देख के ही तुम्हें लग रहा है कि अच्छा एक्यूट ल्यूकीमिया होगा. नाउ दिस एक्यूट ल्यूकीमिया कैन ईदर बी ALL और AML. सो हाउ विल यू डिफरेंशिएट. सो यू विल डू अ बोन मैरो. तुम बोन मैरो करोगे पहले टू कन्फर्म बोन मैरो में मोर देन 20% ब्लास्ट होने चाहिए. अब इनको कैसे डिफरेंशिएट करोगे कि वो लिम्फोब्लास्ट है या माइलोब्लास्ट है. तो पहले मॉर्फोलॉजी यूज करते थे. अर्लियर दे यूज टू यूज मॉर्फोलॉजी. नाउ मॉर्फोलॉजी इज आउट ऑफ फ्लो आउट ऑफ वो. नाउ वी यूज समथिंग कॉल्ड एज फ्लो साइटोमेट्री. अभी फ्लो साइटोमेट्री में क्या क्या मार्कर्स होते हैं? तो जो नॉर्मल बी सेल के मार्कर्स हैं जो नॉर्मल टी सेल के मार्कर्स हैं जो नॉर्मल माइलॉइड मार्कर्स हैं वही होंगे. तो बी सेल के हमारे कौन से मार्कर्स होते हैं? 20. तो 20 पॉजिटिव हो सकता है 20 नेगेटिव भी हो सकता है 19 पॉजिटिव हो सकता है 10 पॉजिटिव हो सकता है. और अगर टी सेल होगा तो 3 पॉजिटिव होगा 4 पॉजिटिव होगा 8 पॉजिटिव होगा 5 पॉजिटिव होगा. ये हमारे नॉर्मल टी सेल के भी मार्कर्स होते हैं. 4 और 8 तो लोगों को पता होता है 3 और 5 याद कर लो आसपास के. ठीक है बी का 20 पता होता है सबको एवरीवन नो CD20 रिटक्सिमाब एंड स्टफ लाइक दैट. 19 याद कर लो और 20 का हाफ करके याद कर लो. हाफ ऑफ 20 10 और 1 कम कर दिया 19 10 20. इतना याद रखना है. टी के लिए 4 और 8 तो एवरीवन नोस दैट टी सेल मार्कर्स रिमेंबर 3 and 5 एज वेल. दैट्स अबाउट इट. सो दीज आर द फ्लो साइटोमेट्री मार्कर्स CD20 CD19 CD10 एज फार एज बी इज कंसर्न फॉर टी CD3 CD4 CD8 CD5. तो डायग्नोसिस करने के लिए यू विल डू अ बोन मैरो एग्जामिनेशन. यू विल डू अ बोन मैरो एग्जामिनेशन एंड एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम यू विल देन डू इन दैट बोन मैरो एस्पिरेट यू विल डू फ्लो साइटोमेट्री. Another common question that is asked is that the child presents to you, how will you confirm the diagnosis? The answer is bone marrow. And अगर ऑप्शन में फ्लो साइटोमेट्री लिखा होगा देन फ्लो साइटोमेट्री इज इवन बेटर ऑप्शन बिकॉज यू डू फ्लो साइटोमेट्री ऑफ द बोन मैरो एस्पिरेट. समटाइम्स दे आस्क व्हिच इज द नेक्स्ट बेस्ट स्टेप. तो यार नेक्स्ट बेस्ट स्टेप जो होता है ना इमरजेंसी में जो होगा वो होगा पेरिफेरल स्मियर. वो होगा सॉरी वो होगा पेरिफेरल स्मियर बिकॉज इमरजेंसी में यू वॉन्ट सडनली यार इमरजेंसी में जाकर तुम बोन मैरो तो नहीं करने वाले किसी का राइट. So next best step in emergency would be peripheral smear because let's say the count is 50,000 or 40,000 and you really want to make sure this is leukemia only. This is not a let's say leukemoid reaction. So usme tumhe peripheral smear pe bhi bone wo dikh jayega. You will get to know whether it is a blast or it is just a leukemoid reaction. So peripheral smear would be the next best step. Agar if they ask you ek presentation de rahe hain acute leukemia ki high TLC ya pallor fatigue aur ye sab ki presentation tumhe dekhte hain. Agar wo tumse puchenge ki next best स्टेप क्या है तो उसका आंसर हो जाएगा पेरिफेरल स्मियर. वो तुमसे पूछेंगे हाउ डू यू कंफर्म द डायग्नोसिस इन दिस पर्टिकुलर केस. तो डायग्नोसिस के लिए तुम्हें बोन मैरो करना पड़ेगा एंड बोन मैरो में भी यू हैव टू डू फ्लो साइटोमेट्री. द बेस्ट आंसर वुड बी फ्लो साइटोमेट्री और फ्लो साइटोमेट्री इज नॉट गिवन बोन मैरो इज द बेटर ऑप्शन ऑफ द गिवन. नाउ मैंने तुम्हें प्रेजेंटेशन बता दी मैंने तुम्हें डायग्नोसिस बता दिया. आई विल आल्सो गिव यू अ ब्रीफ इनसाइट इनटू द पैथोजेनेसिस. दे कैन समटाइम्स आस्क. So pathogenesis, like I told you, the pathogenesis is dependent upon there will be an increased proliferation. There will be increased proliferation or
इम्पेयर डिफरेंशिएशन. तो इसको कराने के लिए देयर विल बी सम जीन म्यूटेशंस राइट एंड सम मे बी सम जीन ट्रांसलोकेशंस. तो वही हमें याद करनी है. ये थोड़ा रट्टे वाला पार्ट है. दिस इज अ बिट ऑफ मेमोराइजेशन बट लेट्स गो थ्रू द मेमोराइजेशन वंस. सो वन म्यूटेशन दैट यू डेफिनेटली नो इज द ट्रांसलोकेशन 922. ये CML में पड़ी होती है बट दिस ऑल्सो हैपन्स इन ALL एज वेल. रिमेंबर दिस. सो यू नो ट्रांसलोकेशन 922 विल रिजल्ट इन BCR ABL एक्टिविटी बीइंग हाई. द BCR ABL एक्टिविटी इज हाई, यू विल इंक्रीज प्रोलिफरेटिव ड्राइव इज देयर. सो ट्रांसलोकेशन 922 कैन हैपन. देन देयर इज समथिंग कॉल्ड एज ट्रांसलोकेशन 411 एंड ट्रांसलोकेशन 1221. दिस कैन ऑल्सो हैपन. दिस पर्टिकुलरली हैज गुड प्रोग्नोसिस. दिस यू शुड रिमेंबर. कैन बी आस्क्ड, हैज बीन आस्क्ड एक्चुअली. And from the good prognosis, ye teen translocation yaad rakho, nobody is going to ask about that or beyond that. There is a line written in Robbins that people think can be asked, never has been asked as far as an exam is concerned. Just for completion's sake, I'm going to do that. TALL may notch one mutations hoti hain, notch one. Again telling you, never been asked in exam, but for completion's sake, I'm doing it here. And BALL may E2, AEBF. इनकी म्यूटेशन होती हैं. दे हैव बीन लाइक इट्स गिवन इन रॉबिन्स. दैट्स व्हाई पीपल कीप ऑन सेइंग दैट कि मे बी पूछा जा सकता है बट आई डोंट थिंक दैट दे विल आस्क इन टू दिस. द क्वेश्चन दैट दे एक्चुअली कीप ऑन आस्किंग एज फार एज ALL इज कंसर्नड इज, या तो वो तुम्हें क्लिनिकल प्रेजेंटेशन देते हैं एंड दे आस्क यू व्हाट इज द डायग्नोसिस, व्हाट इज द नेक्स्ट बेस्ट स्टेप. आंसर लाइक आई टोल्ड यू, नेक्स्ट बेस्ट स्टेप पेरिफेरल्स में है. डायग्नोसिस कंफर्म करने के लिए यू हैव टू डू अ बोन मैरो एग्जामिनेशन, गेट टू द 20% ब्लास्ट. एंड उसमें भी बेस्ट तरीका क्या होता है, फ्लो साइटोमेट्री करना. ठीक है. एंड फ्लो साइटोमेट्री में क्या मार्कर्स हैं, दैट आई हैव टोल्ड यू. बी सेल के क्या होते हैं, 20 याद कर लो, 20 से एक कम कर लो 19, आधा कर लो 10, CD10, CD19, CD20. टी सेल के हमें पता है 4 and 8, 3 and 5. फेयर पॉइंट. नाउ एज फार एज योर प्रोग्नोसिस इज कंसर्न, सो दे आर सर्टेन गुड थिंग्स. दिस विल सर्टिफाई कि दिस इज अ गुड प्रोग्नोसिस एंड देर आर सर्टेन थिंग्स विच आर पुअर, कि पुअर है. एंड आई वॉन्ट यू टू अंडरस्टैंड दिस very clearly on theoretical basis, not theoretical, on a, you know, purely conceptual basis. Yaar, kisi cheez ka, kisi cancer ka, whenever, why will it have a poor prognosis? When it has spread throughout the body, right? So, leukemia, the blood to is there everywhere in the body, how do we know it has spread more? So, let's say the disease has spread into CNS. And like I said, testicular involvement bhi ho sakti hai. So, if there is CNS or testicular involvement, that is a poor prognosis. Fair point. And then, again, how do we know that the disease will might have a poor prognosis? The other thing that can be happening is initially the disease hai, uska burden bahut zyada, the tumor burden is high. So in the TNM staging, if a T1 tumor will obviously have a better prognosis as compared to a T4 tumor, right? So yahan pe hum log kaise lagayenge blood cancer mein tumor burden zyada, on the basis of total leukocyte counts. Initial TLC kaisa hai? So if the initial TLC is more than 50,000, that is a poor prognostic factor. Iske alawa age. यूजली जितना बुढ़ा होगा इंसान उतनी खराब होगा. इसमें भी सेम चीज है. इफ द एज इज मोर देन 10 ईयर, इट इज अ पुअर प्रोग्नोसिस फैक्टर. एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम यू हैव टू रिमेंबर वन थिंग, इफ इट इज लेस देन 1 ईयर, कि अगर इन्फेंट में ही हो गया, देन ऑल्सो इट्स अ पुअर प्रोग्नोसिस फैक्टर. एंड आई विल एक्सप्लेन यू द रीजन. मोर देन 10 ईयर इट इज कंसिडर्ड पुअर प्रोग्नोस्टिक फैक्टर बिकॉज द मोर द एडवांस द एज इज, यू नो, द बिगर द चाइल्ड इज, द लार्जर द ड्यूरेशन एंड लार्जर द नंबर ऑफ ईयर्स, the blast has acquired more mutation, and since it has acquired more mutation, it will have a much more higher proliferative drive, it will be much more resistant to chemotherapy. Why is less than 1 year a poor prognostic factor? Because it essentially signifies that the disease is so aggressive ki ek saal bhi nahi diya yaar, bachcha ek saal tak ka nahi hua, and the disease and the child had acute lymphoblastic leukemia. So age more than 10 years and less than 1 year is poor prognostic. Disease burden se kaise pata lagega? TLC more than 50,000 is poor prognostic. CNS and testis being involved is poor prognosis. Then there are certain translocations that are poor prognosis. जो मैंने अभी तुम्हें बताई थी, translocation 411 is poor prognosis. And translocation, remember this, this is something which people tend to forget. Translocation 922 is poor prognosis. ठीक है. Good prognosis क्या होता है? एक चीज जो ये नहीं है, अगर CNS testicular involvement नहीं है, good prognosis होगा. Less than 50,000 है, good prognosis होगा. Age 1 to 10 है, good prognosis होगा. और एक और मैंने तुम्हें translocation बताई थी, translocation 1221, ये वाली जो होती है, this has good prognosis. ठीक है. सो दिस मोस्टली कवर्स मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस ऑफ ALL. आई अगेन रीएम्फसाइज, हैव कम फ्रॉम लिटरली दिस टेबल. नाउ दिस इज अ पिक्चर दैट इज गिवन इन फर्स्ट एड, एंड यू कैन ऑब्वियसली हैव माय फर्स्ट एड, आई विल गिव द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन.
फर्स्ट एड में एक ही पैराग्राफ है, मोस्ट ऑफ द इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ऑफ ALL हैव बीन कवर्ड. द ओनली थिंग दैट हैज नॉट बीन कवर्ड इज द कंसेप्ट. अगर कंसेप्चुअल क्लैरिटी हो तो डायरेक्टली फर्स्ट एड पढ़ सकते हो, अगर नहीं है तो आई विल एडवाइज यू कि कोई एक दो लेक्चर्स देख लो. ठीक है, सो आई होप यू एंजॉय द वीडियोस. एक चीज मैं भूल गया, मैं बताने के लिए एंड में बता देता हूँ. लाइक आई सेड, टी सेल जो है वो थाइमस से है, तो वो मेडियास्टिनल मासेस की तरह प्रेजेंट करता है. इट ऑब्वियसली सिंस इट प्रेजेंट्स एज मेडियास्टिनल मासेस, इट ऑल्सो प्रेजेंट एज, कैसे प्रेजेंट करता है, SMS की तरह प्रेजेंट करता है, सुपीरियर मेडियास्टिनल सिंड्रोम की तरह प्रेजेंट करता है. एंड टी सेल जो होता है उसका पुअर प्रोग्नोसिस होता है, ये मैं बताना भूल गया था. एनीहाउ, दिस कंप्लीट्स द लेक्चर एज फार एज ALL इज कंसिडर्ड. थैंक यू, हैव अ नाइस डे.